कंपनी को कोबरा सांप के नाम से जानते हैं, कैसे हमला करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरज प्रजापत। और मैं हूं राहुल। दोस्तों आज हम स्नेक रिलीज के लिए आए हैं और आज के बाद हम इसी ऑफिशियल पेज पे हमारी पूरी लॉन्ग वीडियो रेस्क्यू और रिलीज की अपलोड किया करेंगे। तो जल्द से जल्द इस पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। आज हमने दिन भर में जो भी रेस्क्यू किया है उनको हम रिलीज करने के लिए लेके आए हैं। तो अभी आपके सामने खोल के निकालता हूँ। दोस्तों इसमें कोबरा सांप है और ये लगभग 3 या 4 कोबरा हैं शायद, जो हमने दिन भर में रेस्क्यू किए थे। ये देखिए दोस्तों, इन्हीं को कोबरा सांप के नाम से जानते हैं और इसके सामने जाते हैं तो इस तरीके से ये हमला करते हैं। अभी देखिए कितना खड़ा हो रहा है। दोस्तों कोबरा सांप की खासियत होती है कि जो जितनी भी इसकी लंबाई होती है उसका 1/3 हिस्सा ये खड़ा कर सकता है। और आप देख भी रहे होंगे लगभग 1/3 हिस्सा इसने खड़ा कर रखा है। ओहो, 3 है दोस्तों, 3 कोबरा ये हैं और 1 कोबरा इस बैग में है। कुल मिला के ये 4 कोबरा हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगभग फुल लंबाई का कोबरा है और 4, 4.5 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये अभी यहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा और बाकी ये 3 खड़े हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से ये खड़े हैं हमला करने के लिए, क्योंकि इस समय मैं इनको अपना दुश्मन नज़र आ रहा हूँ और ये मेरे पे हमला करने को तैयार है। दोस्तों इस सांप को जब भी किसी घर में देखा जाता है तो लोग इसको नाग समझते हैं और इसको हिंदी में नाग बोलते हैं। तो वो उसको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं और उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अभी ये सांप भी चल दिया है तो खुले में इसको जाने दिया जाए। अभी मैं इनको रिलीज़ करता हूँ, देखिए किस तरीके से हमला करेंगे। ओहो, तो चलिए दोस्तों इसको, दो तो भाग चुके हैं और इनको भी जाने दिया जाए प्राकृतिक वातावरण में। चलिए सर जी, चलिए। तो चलिए दोस्तों इनका रिलीज हो गया है। एक कोबरा तभी भाग गया था और ये 3 कोबरा चढ़ बैठे हैं पेड़ में, 3 पेड़ में बैठे हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए पेज को जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।